नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गैलेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कंपनी का सामान लेकर भागने वाले अभियुक्त रामनाथ झा को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक लैपटॉप किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। नवंबर को चंपा देवी पार्क में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम। 1000 जोड़ों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी जानकारी। कमिश्नरी के प्रस्तावित नए एकीकृत मंडलीय कार्यालय की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा, शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। डीपीआर बनकर है तैयार। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद के सभी नागरिक अपने घर के बाहर जरूर लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। अपराध को रोकने में पुलिस की करें मदद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जनपद के सभी नागरिकों से की अपील। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। गांव के विकास के लिए 3 कार्य योजना बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जनपद में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के द्वारा निःशुल्क भोजन कोचिंग व आवासीय सुविधा करवाया जाएगा उपलब्ध। 30 नवंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों सिकंदर निषाद व सोनू बासफोड़ को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह में विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्यों की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का किया प्रचार प्रसार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी फोटो खींचकर यातायात हेल्पलाइन नंबर 8081208567 पर करे व्हाट्सएप, होगी कड़ी कार्यवाही। संगम सांस्कृतिक साहित्य एवं सामाजिक संस्था और दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह बहादुर चंद स्मृति साहित्य ग्रंथ का हुआ लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, जनपद के साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद ने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाने की पुलिस ने गैलेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कंपनी का सामान लैपटॉप लेकर भागने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को विजय चौराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रामनाथ झा पुत्र स्वर्गीय योगेश्वर झा निवासी ग्राम धेरो पोस्ट बेनीपुर थाना बहेरा जनपद दरभंगा बिहार हाल पता एक्सटेंशन द्वारिका सेक्टर थाना पालम दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है, जिसके पास से एक लैपटॉप एक चार्जर को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि वादी मुकदमा शुभम भारद्वाज पुत्र पुरुषोत्तम प्रसाद निवासी पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर के को 8 सितंबर को अभियुक्त जो कि आवेदक के फर्म पर ऑडिट का कार्य करता था, जहां से मोबाइल लैपटॉप व 50,000 रुपया लेकर चला गया था और मांगने पर रुपये वापस ना करना व संपर्क के सभी नंबर को बंद कर लिया था, जिसके संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी, कांस्टेबल मुरारी यादव, राजू कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, एक आदमी लेके आइए, इधर आइए।
आज जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा एक ऐसे शातिर बदमाश को पकड़ा है जो कि गैलेंट कंपनी में पहले काम करता था। उसने गैलेंट कंपनी में काम करते हुए एक वहां की कंपनी के लैपटॉप को चुराया और उसके साथ साथ गले में से जो पैसे थे करीबन 50,000 के करीबन पैसे बताए जा रहे हैं वो भी उसने उसके साथ चुराए और बाद में उसने लैपटॉप से जितनी भी उसमें जो भी सूचनाएं थी उसको भी निकाल के उन्होंने उसके साथ भी उनको खुर्दबुर्द किया है। इस तरह के अपराधी को खिलाफ 408 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था जो कि अमानत में ख्यानत न्यास भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के में भी आता है और एक कोई व्यक्ति सर्वेंट या फिर जिसको अथॉरिटी ऑर्डर की जाती हो उस व्यक्ति द्वारा अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज कर आज उसको थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने एक थिंक पेड कंपनी जो कि कंपनी का जो लैपटॉप था उसको उन्होंने चुराया और उसके साथ में जो है पैसे चुराए हैं। थाना कोतवाली द्वारा आज उस लैपटॉप को भी बरामद किया है और उसको फॉरेंसिकली एग्जामिन किया जाएगा कि उसने पिछले दिनों में क्या क्या चीज़ें उससे एक्सट्रैक्ट की हैं और गैलेंट कंपनी की किस किस प्रकार की सूचनाएं हैं वो उसने विभिन्न लोगों को प्रदान की है जिससे कि कंपनी का किसी प्रकार का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो। ये व्यक्ति इसके बारे में पता किया जा रहा है बताया जा रहा है कि लगभग कम से कम एक साल से वहाँ काम कर रहा था। थैंक यू। समाज कल्याण विभाग द्वारा चंपा देवी पार्क में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि 28 नवंबर को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 1,000 से अधिक जोड़ों का पंजीकरण हो चुका है जिसमें जांच के बाद जन लिस्ट तैयार हुआ है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिनों में संख्या 1100 के पार हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा सामूहिक विवाह योजना आयोजित नए बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है कहाँ पे कार्यक्रम आयोजित 28 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में चंपा देवी पार्क में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग द्वारा संपादित कराया जाएगा। 1,000 के ऊपर जोड़ों का पंजीकरण हो चुका है और पात्रता की परीक्षण की बात की स्थिति है जिसमें कि 1,000 जोड़े हमारे चयनित हो चुके हैं और संख्या ये बढ़ रही है थोड़ी बहुत हो सकता है 1100 की संख्या रहेगी। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कमिश्नरी के प्रस्तावित नई एकीकृत मंडलीय कार्यालय की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि बिल्डिंग 7 फ्लोर की होगी जिसका GPR पहले से बन चुका है। इन 7 फ्लोर में सभी तरह की व्यवस्था व कोड संचालित होंगे। वाहनों के पार्किंग की अच्छी व्यवस्था होगी। जल्द ही शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर GDO उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जब हो गया और मुझे लगता है वो भी बन गया था, DPR भी तैयार हो गया था, 213 सारा कुछ हो गया था दोनों जगह को, मतलब इस जगह को देखा जगह काफी कम नहीं बहुत 3 acres है और वो क्या है आपने देखे होंगे वो उधर जो स्कूल और उधर से हम लोग आते हैं और इधर से बस स्टैंड है, जस्ट बस स्टैंड पर इस तरीके के डायगोनली ऑपोजिट जगह पे है, वहाँ पे एक आदमी को खड़े होने को जगह नहीं मिल पाता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने मौके पे मैं और DM साहब और सभी लोग हम लोगों ने विजिट किए थे। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को ये लोग जो लगा कि इट इज़ ओनली 3.2 acres में हम लोग कौन कितने फ्लोर तक जा रहे थे उस समय? 7 फ्लोर जा रहे थे। 7 फ्लोर का 2 बिल्डिंग्स था, एक हमारा एडवोकेट ब्लॉक अलग से, वो कितने फ्लोर का था वो भी 7 फ्लोर ठीक है, वो एक फ्लोर था।
और उसके साथ पार्किंग का भी एक्स्ट्रा, पार्किंग का भी इम्पोर्टेंस क्या है, जो मेन एंट्रेंस और एग्जिट को जब देखे तो जो स्पेस को मिलना चाहिए जो सामने से, मतलब बाउंड्री से आपको जस्ट थोड़ी ही दूर में बिल्डिंग शुरू होने वाला है, वहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी कंजेस्टेड। वन सेकेंड 2000 टू व्हीलर्स प्लस नेचुरली जो एडवोकेट्स और लॉयर्स का जो चीज़ होता है वो लेटेस्ट ट्राई टू वर्क आउट द अदर ऑप्शन, बिकॉज जो जमीन हम बेचने के लिए रख रहे हैं उसी में कोई और जमीन अच्छा मिल जाए, सो दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ द थिंग इज उसका एक रोड बहुत अच्छा है, दैट इज जो रेलवे म्यूजियम रोड। एक तो वहाँ स्पेस सफिशियंट साइड है, वो थोड़ा परपेंडिकुलर जो रोड है रेलवे म्यूजियम का वो थोड़ा कंजेस्टेड है, वो भी थोड़ा इनकी कैंपस छोड़ने के बाद तो बहुत एरिया इज अवेलेबल, तो करीब 13 प्लस कुछ है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि 8-9 एकड़ इनको मिल जाए, ठीक है, सो दैट वी कैन बिल्ड गुड फैसिलिटीज ओवर देयर, सो दैट कहीं पर भी कोई भी है तो वो दैट्स ओनली मल्टी लेवल पार्किंग अभी ऑपरेशन ट्रीनेट पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि जनपद में ऑपरेशन ट्रीनेट अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए हर जगह पर पुलिस बल तैनात नहीं हो सकती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि एक सुरक्षा गार्ड की तरह ड्यूटी देता है। जनपद में जिले के सभी थाना अध्यक्षों ने मिलकर अपने अपने मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, लगभग 150 चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसका एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से इन कैमरों की मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन अब चौराहों को कवर करने के बाद महानगर की छोटी छोटी गलियों में भी कैमरा लगवाया जा रहा है, जहां नहीं लगा है उस जगह को चिन्हित किया गया है, उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। लेकिन अब एडीजी द्वारा एक नया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर कैमरा लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि घर के बाहर कैमरा जरूर लगवाएं, जिससे कि अपराध को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में एडीजी महोदय द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, थर्ड आई त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात नहीं हो सकता है, एवं 24 आवर्स राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है एक है सुरक्षा गार्ड की तरह, तो कैमरा जो है वो आपका एक तरीके से हर जगह सुरक्षा गार्ड की तरह रहता है। जनपद में एडीजी महोदय के निर्देशन में एवं विभिन्न थानाध्यक्ष महोदयों द्वारा एवं जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं सब ने लग के मेहनत की है, और इस शहर के जितने भी भामाशाह हैं जिन्होंने त्रिनेत्र एम्बेसडर बन के कम 150 के आसपास चौराहों पर चौराहे कवर किए हैं, इसका मतलब 4 से 5 कैमरे हर चौराहे पर लगाए गए हैं सभी दिशाओं कवर करते हुए। उनका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम भी बना है जो कि पुलिस लाइन के अंदर बनाया गया है और जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इसी के मद्देनज़र अब उसके बाद में इन चौराहों के कवर होने के बाद छोटी छोटी गलियाँ जहाँ पे भी किसी प्रकार की छिनेती या अन्य प्रकार की लड़ाइयाँ झगड़े क्राइम होता है उसको भी कवर करने के लिए वहाँ पे भी कैमरों के लिए जगह आइडेंटिफाई की गई हैं, उन पे भी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन अब एक नायाब तीसरा स्टेज जो है वो हर घर कैमरा अभियान है, जिसके अंतर्गत एडीजी महोदय द्वारा ये बताया भी गया है पूर्व में भी, और शहर के सभी निवासियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आपकी अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, अपने साजो सामान और घर की 24/7 सुरक्षा के लिए आप सभी लोग कैमरा लगाएं, और कैमरे का कंट्रोल रूम मोस्ट प्रोबेबली आप प्रयास करें कि आप आईपी बेस्ड कैमरा लगाएं, तो आप अपने मोबाइल से भी उसका मॉनिटर कर सकते हैं घर के अंदर का आना जाना आवागमन वगैरह, उसके साथ साथ या फिर उसकी DVR है वो आप सेफ जगह पर रखें, लेकिन हर घर कैमरा जरूर लगाएं, उससे ना सिर्फ आप अपना घर सुरक्षित करेंगे बल्कि शहर भी सुरक्षित होगा, जिसकी गोरखपुर जिसमें हम सब लोग प्राइड लेते हैं, गोरखपुर द CM सिटी। थैंक यू।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में मंडल के उप पंचायत निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के खंड विकास अधिकारियों व सभी सहायक विकास अधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं व कमियों को दूर करते हुए एक योजना बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसे 9 विषय दिया जा रहा है, जिसमें से 3 विषय को शामिल करते हुए कार्य योजना बनाना है। ग्राम सभा से विकास योजना तैयार करने के बाद क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायत से ग्राम पंचायत के विकास योजना को बनाना है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा सभी खंड विकास अधिकारियों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत का समय समय पर बैठक करवा लिया जाए, जिससे गांव में होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। इस अवसर पर जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडल के पंचायत विभाग के उप निदेशक दिनेश सिंह ने कहा, गोरखपुर में आयोजित खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत के एक दिवसीय सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित श्रोतागण या आप प्रशिक्षु, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं और जिस विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं वह विषय भी सहभागिता का विषय है। जो अभी आदरणीय विजय सिंह ने कहा कि विषय पे हम बातचीत करेंगे, जब तक प्रेजेंटेशन आ रहा है सामान्य बातचीत हम लोग करते रहेंगे। कहा जाता है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर और स्थापना आर्थिक और सामाजिक विषय लगातार एक अभियान में काम कर रहे थे ग्राम पंचायत विकास को, और उसी कड़ी को दो जो त्रिस्तरीय विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत स्तर पे और क्षेत्र पंचायत स्तर पे, जिनको ये विकास योजना को संचालित कर रहा है, जिससे अभी थोड़ा सा उल्लेख किया था आदरणीय राकेश जी ने कि 5 चरणों से होकर के हम यूपीपीपी के प्लान जाकर के सफलता पा रहे हैं। तब उनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया। और 2-3 मुद्दे, चाहे वो राशन कार्ड का बात हो या जॉब कार्ड का बात हो, और अगर आप जीपीडीपी के जो 5 नाम साथियों ने बताया, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, अगर हमने अपने क्षेत्र में कार्य योजनाओं का नियोजन लोगों की सहभागिता से उसको पहचान करवाया, लोगों से बनवाया और लोगों से इंप्लीमेंट कराया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, सवाल तो आप लोगों के पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन अकेला सवाल मेरा कि एक प्रोग्राम चला था स्वच्छ भारत मिशन का, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक कार्यक्रम होता था टिगरिंग का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी कभी कभी पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन कितने लोगों को गांव की सहभागिता से उस गांव को खुले में शौच मुक्त कराने में सफलता मिली होगी। शायद हमने कंस्ट्रक्शन बेस जरूर वर्क कर दिए होंगे, लेकिन आज अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो हमने सहभागिता नहीं सुनिश्चित कराया। इसलिए आज भी हम कंस्ट्रक्शन जरूर करा लिए हैं, लेकिन उपयोग जिस मात्रा में हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करा ले रहे हैं, आज जिस सॉफ्टवेयर की बात इस लोकलाइजेशन में होगा आपको भी लगेगा कि नियोजन जब गांव वाले करेंगे, पार्टनरशिप जब गांव वालों का होगा तो ही जाके उसको सफल मिलेगा। इसलिए ये जो पार्टनरशिप का मुद्दा है ये अहम हो जाता है। तो इस 5 पीपों का ध्यान में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो 9 टीम है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। दिनेश सिंह, डिप्टी डायरेक्टर पंचायत गोरखपुर मंडल। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत डायरेक्टर पंचायती राज के निर्देशों के क्रम में जो है खंड विकास अधिकारियों मंडल के और सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत का ये एक दिवसीय प्रशिक्षण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में रखा गया है।
जिसमें इनको अपनी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताएं और जो कमियां उनको दूर ध्यान में रखते हुए हमारे स्थानीय जो सतत विकास के लक्ष्य हैं 17 उनको 9 भागों में बांटते हुए एक योजना बनाने के निर्देश संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हर हालत में हमें उन 9 विषयों में से कम एक अधिकतम 3 विषयों को सम्मिलित करते हुए कार्य योजनाएँ बनानी है। गांव सभाओं से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार होने के बाद क्षेत्र पंचायत स्तर पर ये क्षेत्र पंचायत की विकास योजनाएं बननी है, जिसमें उन गांव सभा की जो गांव पंचायतों की विकास योजनाएं साथ ही इन 9 विषयों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाएं तैयार की जानी है। विभिन्न विभागों की जो कार्यों को जो स्कीमें चलाई जा रही हैं पंचायतों में उनके बारे में भी बेहद जानकारी के लिए प्रशिक्षण रखा गया है, और जितनी जो गांव पंचायतों में बैठकें होती हैं गांव सभा गांव पंचायत क्षेत्र पंचायत की बैठकों उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण रखा गया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गैलेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कंपनी का सामान लेकर भागने वाले अभियुक्त रामनाथ झा को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक लैपटॉप किया बरामद। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। नवंबर को चंपा देवी पार्क में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम। 1000 जोड़ों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी जानकारी। कमिश्नरी के प्रस्तावित नए एकीकृत मंडलीय कार्यालय की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार NG ने आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा, शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। DPR बनकर है तैयार। ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत जनपद के सभी नागरिक अपने घर के बाहर जरूर लगवाएं CCTV कैमरा। अपराध को रोकने में पुलिस की करें मदद। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जनपद के सभी नागरिकों से की अपील। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। गांव के विकास के लिए 3 कार्य योजना बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जनपद में IAS और PCS की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के द्वारा निःशुल्क भोजन कोचिंग व आवासीय सुविधा करवाया जाएगा उपलब्ध। 30 नवंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों सिकंदर निषाद व सोनू बासफोड़ को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। यातायात माह में विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्यों की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का किया प्रचार प्रसार। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी फोटो खींचकर यातायात हेल्पलाइन नंबर 8081208567 पर करे व्हाट्सएप। होगी कड़ी कार्यवाही। संगम सांस्कृतिक साहित्य एवं सामाजिक संस्था और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह बहादुर चंद स्मृति साहित्य ग्रंथ का हुआ लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा, जनपद के साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद ने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में IAS व PCS की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निःशुल्क कोचिंग भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, उनके लिए प्रयागराज लखनऊ हापुड़ वाराणसी आगरा गोरखपुर एवं अलीगढ़ में आवासीय निःशुल्क कोचिंग एवं भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय पर 18 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम UPPCS सिविल सेवा परीक्षा के समान होगा।
परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को रहने, खाने व पढ़ाई की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसका 30 नवंबर को आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में छात्रों के लिए आईएसबीसी की तैयारी के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। देखिए, नई व्यवस्था गोरखपुर के लिए है, बाकी 6 के लिए तो बाकी 6 जनपदों में पहले से ये चली आ रही थी, गोरखपुर में इस बार से ये शुरू हो जाएगी। इसमें 100 बच्चों के लिए रहने की, खाने पीने की और उनकी कोचिंग की उच्च स्तरीय सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध होंगी। कुल कितने छात्रों का चयन किया है? 100 बच्चों का चयन किया जाना है। ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी। 30 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 18 दिसंबर को इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर ऊपर से 100 बच्चे ले लिए जाएंगे। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सिकंदर निषाद पुत्र छोटेलाल निषाद निवासी ग्राम कजाकपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सोनू बासफोड़ पुत्र बंगाली बासफोड़ निवासी सिंधुली बेंदुली डुमवाढाला थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन लूट डकैती जैसी जघन्य अपराध करते थे, जिनके ऊपर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश प्रताप सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, कांस्टेबल प्रवीण कुमार, चंदन भारती, सोनू शामिल रहे। यातायात माह के अंतर्गत तथा एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्यों की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया तथा साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पंपलेट का वितरण किया गया तथा असरुन स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि यातायात के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका अनुपालन करना कोई नहीं जानता। समाज में पुरुष या महिला सभी एक समान है। वाहन चलाते समय सड़क नियमों का पालन करें और दूसरों को भी बताएं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से स्वयं और दूसरों को दुर्घटना होने से बचाया जा सके। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे की हालत में वाहन को बिल्कुल ही ना चलाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है तो उसकी फोटो खींचकर यातायात हेल्पलाइन नंबर 8081208567 पर व्हाट्सएप करें तथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, उप निरीक्षक राहुल राव, इंदल राम, ब्रजेश कुमार सरोज सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस और नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डन मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, I'm not going to do that.
जैसा कि आप जान रहे हैं कि नवंबर माह के लिए यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और यातायात माह में जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम विद्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी संगठन एनजीओ, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हमारी पहुंच हम घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यातायात नियमों के बारे में घर घर में जागरूकता हो जाए। इसी कड़ी में सिविल डिफेंस से भी हमने सहयोग लिया है और सिविल डिफेंस के जवान भी ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक का संचालन कर रहे हैं और ट्रैफिक के संचालन के साथ साथ जो लोग चौराहे से गुजर रहे हैं उनके लिए यातायात नियमों के बारे में बता रहे हैं, उनको इस बारे में भी बता रहे हैं कि हेलमेट को सिर्फ सर पे ना रखें, उसको अच्छे से टाइटली थोड़ी के नीचे बांधें तभी वो आपकी सुरक्षा करेगा। उनको हेलमेट लगाने का प्रॉपर तरीका बताया जा रहा है, प्रॉपर सिग्नल्स के बारे में उनको भलीभांति ब्रीफ किया जा रहा है। तो सिविल डिफेंस के हमारे जो स्थानीय इकाई है गोरखपुर की, इसके जो नियंत्रक हैं गुलाटी जी और सिविल डिफेंस के सभी पदाधिकारियों का मैं ट्रैफिक पुलिस की ओर से शुक्रगुजार हूं कि यातायात जागरूकता की इस मुहिम में गोरखपुर वासियों को जगाने में ट्रैफिक पुलिस के साथ वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। यातायात संबंधी नियमों के पैम्पलेट्स हमारे पास हैं, उनके लिए हम जगह जगह विद्यालय में भी वितरित कर रहे हैं और चौराहों पर जो नागरिक वहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए भी हम वितरित करके जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। सर राजकीय पॉलिटेक्निक में बच्चों को जागरूक किया गया? राजकीय पॉलिटेक्निक की 400 छात्राओं के लिए आज यातायात जागरूकता संबंधी कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया गया और आयोजन में उनके लिए यातायात नियमों के संबंध में बारीकी से बताया गया और स्पेशली उनको ये बताया गया कि यातायात जागरूकता का मेन उद्देश्य ये है कि सब लोग यातायात नियमों का पालन करें जिससे सड़क पर कहीं जाम या अवरोध की स्थिति ना हो या कोई दुर्घटना ना हो जिससे कि मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। तो इसमें हमारी जो बेटियां हैं, बेटियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्राओं को ये बताया गया कि आप घर से नियंत्रण स्थापित करें, सबसे पहले अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर नियंत्रण करें कि वो लोग बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के ना चलें और आगे चल के जब आपकी परिवार की जिम्मेदारी होगी तो सुरक्षा की शुरुआत आप माँ बहन और बेटी के रूप में अपने घर से ही शुरुआत करें। जब घर से ट्रैफिक नियमों के प्रति लोग अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करके इस शहर को स्मार्ट बनाने में मदद करेंगे, योगदान देंगे अपना। थैंक यू। संगम सांस्कृतिक साहित्य एवं सामाजिक संस्था एवं दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह बहादुर चंद स्मृति साहित्य ग्रंथ का लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह का आयोजन दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अवैधनाथ स्मृति सभागार में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनंत मिश्रा रहे। जिसके संबंध में कार्यक्रम संयोजक रामकृपाल राय ने बताया कि संगम साहित्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था के द्वारा नरसिंह बहादुर चंद किताब का लोकार्पण एवं संगम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नरसिंह बहादुर चंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद जनपद के एक धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की और संगम संस्था के संस्थापक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर आर डी राय, डॉक्टर आद्य प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर अनिल कुमार राय, डॉक्टर ओ पी सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगम साहित्य संस्था के संयोजक राम कृपाल राय एवं संस्था के अध्यक्ष कृष्ण कुमार चंद कौशिक ने कहा, आपका संस्मरण चाहिए एक बार कहने पर सभी लोगों ने उपस्थित कराया। आज साकार रूप में साहित्य पितामह, वो साहित्य पितामह थे, इसलिए उस
ग्रंथ का नाम हुआ साहित्य पुराण बीच, उस ग्रंथ का लोकार्पण होगा। यह कार्यक्रम तीन चरणों में है। मंचस्थ ने एक ऐसी परंपरा स्थापित की कि जयंती पर उनका आज जन्मदिन है, और जब ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ तो ईश्वर की अनुकंपा देखिए 2022 के माध्यम से लगभग 36 फिल्मों का सम्मान किया जाएगा, और उसके बाद होगा मंच से निवेदन करूंगा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण करके कार्यक्रम को संपादन करते हुए अनिता पाल सिंह जी ने लिखा है। मैं डॉक्टर रामकृपाल राय। साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद स्मृत ग्रंथ का लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह 2022 का आयोजन दिग्विजयनाथ के सभागार में आयोजित हो रहा है। सबसे पहले उनके पुस्तक का स्मृत ग्रंथ का लोकार्पण होगा हो रहा है, और उसके बाद सम्मान समारोह किया जाएगा जिसमें शिखर सम्मान है, भूषण सम्मान है, सृजन सम्मान है, सेवा सम्मान है, और सबसे संगम सुमन सम्मान है। अनंत मिश्र जी को, अनिल राय जी को, प्रमोद जी को और आद्याप्सरा द्विवेदी जी को शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, और डॉक्टर राम दर्श राय जी को शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सृजन सम्मान में जयप्रकाश नायक जी हैं, अमिताभ पांडे जी हैं, और सबसे इसके महासचिव जो अनिता पाल सिंह जी हैं उनको भी इसमें सम्मानित किया जा रहा है। तमाम तरह के सम्मान से सबको सम्मानित करने की योजना यहाँ पे बनी हुई है। पुस्तक के बारे में साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद जी इस गोरखपुर जनपद के ऐसे व्यक्तित्व धारक थे जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की। संगम संस्था के संस्थापक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया, और प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को ये संगम गोष्ठी होती है जिसमें नवांकुरों का सम्मान किया जाता है, और अब जाकर के जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो उनके इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य उनके पुत्र श्री राजन चंद जी कर रहे हैं। कृष्ण कुमार चंद कौशिक, ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। ये साहित्य साहित्य के पुस्तक जो है स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण का आज कार्यक्रम है। इसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, और आज कार्यक्रम के अध्यक्ष अनंत मिश्र जी हैं,
जी सम्मान समारोह भी है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गैलेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कंपनी का सामान लेकर भागने वाले अभियुक्त रामनाथ झा को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक लैपटॉप किया बरामद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। नवंबर को चंपा देवी पार्क में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम। 1000 जोड़ों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी जानकारी। कमिश्नरी के प्रस्तावित नए एकीकृत मंडलीय कार्यालय की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को किया जाएगा शुरू। डीपीआर बनकर है तैयार। ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत जनपद के सभी नागरिक अपने घर के बाहर जरूर लगवाएं सीसीटीवी कैमरा। अपराध को रोकने में पुलिस की करें मदद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जनपद के सभी नागरिकों से की अपील। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी के मंडल स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। गांव के विकास के लिए 3 कार्य योजना बनाने के लिए सभी अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। जनपद में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के द्वारा निःशुल्क भोजन कोचिंग व आवासीय सुविधा करवाया जाएगा उपलब्ध। 30 नवंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों सिकंदर निषाद व सोनू बासफोड़ को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। यातायात माह में विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस एवं सिविल डिफेंस के वार्डन सदस्यों की संयुक्त टीम ने यातायात नियमों का किया प्रचार प्रसार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा अगर कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी फोटो खींचकर यातायात हेल्पलाइन नंबर 8081208567 पर करे व्हाट्सएप। होगी कड़ी कार्यवाही। संगम सांस्कृतिक साहित्य एवं सामाजिक संस्था और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह बहादुर चंद स्मृति साहित्य ग्रंथ का हुआ लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहा जनपद के साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद ने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।